भाई साहब यहाँ पर बच्चे लोग का क्रेज देखो यार, कोई भी बाहर नहीं जाने देता यार। निकलने दो मुझे। हाँ, लोगों का शॉपिंग हो चुका है भाई, देख रहे हो इधर दो दो बैग है, एक इस बंदे का और एक मेरा है भाई। तो ईद का शॉपिंग था, थोड़ा कॉस्टली पड़ा और भैया के पास जो है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि बहुत प्यारा बंदा है। मैं नहीं जमा तेल, ये लोग खुद आ जाते, मैं क्या कर सकते। मैं जा रहा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेटिव फाइव राइडर। सो कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का दिन है जुमा और वो भी रमजान का आखिरी जुमा, अलविदा जुमा। तो हमारे तरफ से आप लोगों को अलविदा जुमा मुबारक है। तो भाई अभी जो है ना भाई, मैं देख रहे हो नहा हूँ, आके रेडी हो चुका अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप जो है ना भाई, वहाँ पर नीचे रखा हुआ है, अभी सेट करना है और अपना बाइक भी क्लीन वगैरह कर करके बाहर में लगा दिए हैं। तो अभी जो है भाई फटाफट रेडी होकर के मैं जा रहा हूँ जुमा का नमाज अदा करने के लिए। उसके बाद जो है ना भाई, आज बहुत सारा काम है भाई, मार्केट जाना है, थोड़ा आप लोगों को पता ही होगा ना भाई कि रमजान नज़दीक है, आज अलविदा जुमा है, तो लगभग 5 दिन और है, उसके बाद ईद है। ईद के लिए थोड़ा शॉपिंग वगैरह भी करना है, जो कि मैं अभी तक शॉपिंग भी नहीं किया हूँ यार, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता यार। आज जो है ना भाई जुमा का दिन है, तो आज छुट्टी किए थे, तो आज थोड़ा बहुत टाइम है, तो आज जुमा पढ़ने के बाद चलेंगे मार्केट और थोड़ा शॉपिंग वगैरह भी करना है। और बोलूँ तो थोड़ा बहुत काम भी है भाई बैंक के लिए, तो बैंक में थोड़ा बहुत काम है छोटा सा, तो वो भी निपटाएंगे और बाकी सारा काम है। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या काम होता है नहीं होता है। और अभी जो है इंट्रो में शूट कर रहा हूँ रूम में, इसलिए जो कि बाहर भाई काफ़ी ज़्यादा धूप है भाई, और बेंगलोर में अभी गर्मी कितना ज़्यादा है जो भाई आप लोग को पता ही होगा भाई, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और धूप भी काफी ज्यादा। तो इसलिए मैं आज इंट्रो शूट कर रहा हूँ रूम से। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए अब आप लोग से बात करेंगे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। सो गाइस देखो, ये चेक करो भाई, धूप कितना ज्यादा धूप है यार, आप पूरा गर्मी ही गर्मी है। और अपना बाइक को देख रहे हो, क्लीन करके जो ना अभी छाया में लगा दिए थे। तो अब चलिए यहाँ से अब निकलते हैं फटाफट। तो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं अपन मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में, और अभी देख रहे हो भाई धूप कितना ज़्यादा है भाई साहब। बेंगलोर में जो अभी गर्मी पड़ रही है ना भाई, क्या बताऊँ यार, गर्मी तो गर्मी, और बेंगलोर में भाई पानी का भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है भाई अभी, जो कि बारिश वगैरह कितना दिन से नहीं आ रहा है भाई। तो देख रहे हो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं भाई इंट्रो आज मैं रूम में शूट किया था भाई। तो भाई साहब देख रहे हो ट्रक वाला भैया पूरा गर्दा उड़ाते जा रहे भाई। तो चलिए अपना बाइक को यहाँ पर पार्क कर देते हैं। सो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं मस्जिद के पास, और देख रहे हो भाई यहाँ पर बच्चे लोग का क्रेज, ये देखो भाई, और बाकी और बच्चे लोग ऊपर से देख रहे हैं भाई। तो चलिए पहले आप लोग से मिलते हैं नमाज अदा करने के बाद, पहले नमाज अदा कर ले तो उसके बाद मिलते हैं भाई। गर्मी देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा यार भाई साहब, और यहाँ पर कितने बंदे लोग इंतजार करते देख रहे हो। तो चलिए भाई नमाज अदा करने के बाद आप लोग से मिलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। भाई साहब यहाँ पर बच्चे लोग का क्रेज देखो यार, कोई भी बाहर नहीं जाने देता यार। निकलने दो मुझे। हाँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं नहीं जमा तेल, ये लोग खुद आ जाते, मैं क्या कर सकते। मैं जा रहा हूँ ना अभी। थोड़ा इसको पकड़ रहा, इसको पकड़ना, मैं इसलिए कभी नहीं आता, आज मैं जा रहा हूँ मार्केट। तुम्हारा सोशल मीडिया का तुम्हें कर लियो। मैं इसलिए उधर 10 मिनट रुक गया कि ये लोग निकल जाएगा, मैं क्या करना अभी, मार्केट जा रहा हूँ मैं इसलिए 10 मिनट उधर ही रुक गया था। बैठ रहे भाई साहब, यहाँ पर देख रहे हो बच्चे लोग को, क्या करो यार, मैं खुद बोलता हूँ कि दूसरे को तकलीफ ना हो, मैं इसीलिए मैं रुक गया। देखा भाई आप लोग, मैं मस्जिद में ना भाई नमाज अदा करने के बाद, सुन्नत भी अदा करने के बाद मैं उधर ही 10 मिनट रुका था कि यार बच्चे लोग बहुत ज़रा आ जाते हैं, रोड जाम कर देता है, तो ये लोग कब, मैं अब क्या बताऊँ यार, ये लोग को कितना आदमी को तकलीफ हो जाता है भाई, और वैसे भी तकलीफ तो होगा ही ना भाई, बच्चे लोग इतना आ जाते हैं कि रोड पूरा जाम कर देते हैं भाई साहब, क्या बताऊँ यार। और मैं ब्लॉग में, हर ब्लॉग में मैं बोलता हूँ कि यार ऐसे आप लोग मत आया करो, लेकिन बच्चे है भाई, बच्चे को समझाऊँ तो उतना समझ में आएगा नहीं। और देख रहे हो यहाँ पर कितने आदमी लोग चिल्ला रहे थे, तो भाई मैं
खुद जानबूझ के मैं बोलूँ तो यार मैं ब्लॉग बनाता हूँ, आप लोग देखे होंगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू बनाता हूँ, मैं नमाज अदा करने के लिए भी आता हूँ, बट हेलमेट वगैरह नहीं लेके आता हूँ मैं। आप लोगों को पता ही होगा ना भाई, और आप लोग ब्लॉग देखते ही होंगे, मेरा कंटिन्यू ब्लॉग जो देखते हैं उसको पता ही होगा भाई, मैं ब्लॉग तो बनाता हूँ भाई, बट जब नमाज अदा करने के लिए आता हूँ तो मैं जानबूझ के हेलमेट लेके नहीं आता हूँ, क्योंकि ये लोग कितना जाम लग जाता है, बच्चे लोग देखते हो आप लोग, और पूरा रोड जाम हो जाता है भाई। और मैं आज जो है भाई मुझे मार्केट निकलना है, इसलिए मैं सोचा था कि चलो हेलमेट साथ में लेकर के आ जाता, और वैसे भी भाई आज हेलमेट मालूम है मैं छुपा के अंदर रखा था, मस्जिद के अंदर मैं छुपा करके कॉर्नर में रखा था कि किसी बच्चे को मालूम ना हो कि ये बंदा हेलमेट लेकर के आए, नहीं तो और रोड जाम कर देता है। बट क्या बताऊँ यार, ये लोग बाइक देख करके ही पहचान जाता है भाई, तो बाइक के सामने ये लोग इतना जाम लगा देते हैं कि आप लोग देखे ही होंगे। और कितने लोग मेरे ऊपर चिल्लाते भाई तुम क्या ये नाटक करते हो, भाई साहब आप लोगों को अगर तकलीफ हो रहा है मेरे से तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ यार, मैं खुद जानबूझ के हेलमेट छुपा के रखता हूँ कि भाई किसी बच्चे को मालूम ना हो, नहीं तो देख रहे हो आप लोग कितना जाम लग जाता है भाई। और बच्चे लोग का क्या बताऊँ यार, बच्चे लोग का प्यार है, और बच्चे लोग जो भाई हर वीडियो देखते हैं यार, और मैं जब आता हूँ नमाज अदा करने के लिए, मगरिब का हो, ईसा का हो, तरावी का हो, हमेशा बच्चे लोग पीछे लग जाते हैं, भैया हेलमेट कब लेके आओगे, कब लेके आओगे। तो भाई अगर आप लोग को मेरे तरफ से तकलीफ हुआ है तो सॉरी भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अभी जो भाई मैं आ चुका हूँ दुधवालापुर मार्केट में, बस स्टैंड के पास, रमज़ान का शॉपिंग वगैरह नहीं किया हूँ तो इसलिए मैं आया हूँ, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लेता हूँ और मार्केट घुमा हुआ बहुत दिन हो गया भाई, तो चलिए आज मार्केट भी घूम लेता हूँ भाई। सब अभी देख रहे हो यहाँ पर भी एक मस्जिद है भाई, तो अभी अभी जुमा का नमाज ख़त्म हुआ है तो इसलिए इतना जाम है। और चलिए यहाँ पर तो आ ही चुके हैं, देख रहे हो यही भैया का शॉप। सलाम वालेकुम, खैरियत ब्रो? कॉल हाँ, आप लोग इसे जानते ही होंगे भाई, क्योंकि इस शॉप में मैं कितना ब्लॉग बनाया हूँ भाई, बहुत ब्लॉग आ चुका है। और भाई सबसे खास बात है इस शॉप का ये है कि भाई ट्रेंडिंग, जो ट्रेंडिंग में जो चलता है ना भाई, सब कुछ यहाँ पर ए टू जेड मिलेगा भाई, तो इसलिए मेरे पूरा दुधवालापुर में ये शॉप मेरे को अच्छा लगता है भाई, कि यहाँ पर जो ढूंढो जैसा ढूंढो सभी कुछ मिलेगा, है ना भाई? बेशक मिल जाएगा भाई, दुधवालापुर का नंबर वन शॉप है यार मेरे हिसाब से। और आप लोग का क्या है, नहीं है क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी, और बोले तो ट्रेंडिंग सबसे मेरा अच्छा लगा कि ट्रेंडिंग भाई, ट्रेंडिंग में जो कुछ भी चलता है ना भाई यहाँ पर मिल जाएगा भाई 100%, और जो चाहिए वो भैया मंगा के देगा, तो इसलिए मैं अभी आया भाई रमजान का शॉपिंग करने, चले देखते हैं क्या क्या लेना है भाई। और इस बंदे देख रहे हो हमारे साथ आया, बंदे तो थोड़ा रूठा हुआ है यार, अब ये क्या लेगा नहीं लेगा पता नहीं यार। बहुत देर बाद देख रहे भाई हम लोग का शॉपिंग हो चुका है भाई, देख रहे हो इधर दो दो बैग है, एक इस बंदे का और एक मेरा है भाई। तो ईद का शॉपिंग था, थोड़ा कॉस्टली पड़ा, और भैया का पास जो है ना भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि बहुत प्यारा बंदा है भैया के दुकान भी करता है भैया के दुकान में आना यार, मेरे को इसलिए अच्छा लगता है ये दुकान, क्योंकि भाई सभी कपड़ा जो है ना ब्रांडेड मिलेगा, और ब्रांडेड के साथ साथ ट्रेंडिंग में मिलेगा भाई। और ये दुधवाला यहाँ का लोकेशन आप एक बार बोल दो मेरे को, डबलापुरा बस स्टैंड के पास, ये जो मस्जिद के अपोजिट घुमाओ, देखो उसके अपोजिट सल्फर साइड पर ब्रो, मैं देख रही हूँ इसके सामने एक मस्जिद है, इसके जस्ट अपोजिट में भाई ये शॉप है भाई, तो यहाँ पर आना भाई आप लोग, दिल खुश हो जाएगा भाई, यही रहता है जो ये बंदा तो राय बोल दो तो भाई चलो अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं भाई, शॉपिंग वगैरह तो हो गया, अब आप लोग से बात करते हैं आगे। हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और भाई मुझे तो भाई क्या बताऊँ यार, थोड़ा बहुत काम है बैंक का यार, तो अब बैंक का काम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कैनरा बैंक है, बैंक में थोड़ा बहुत काम है यार। तो शॉपिंग हो गया भाई फाइनली ईद का, अब यहाँ से हम लोग फुल पावर में निकलते हैं। सो फाइनली गाइस बहुत ही देर बाद यार बैंक का भी काम हो चुका है, बैंक में जो ना एक्चुअली अकाउंट खोलवाना था भाई, जो कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए चल रहा था कि मेरा गांव तो आप लोगों को पता होगा मैं बिहार से हूं, और अकाउंट यहां पे खुलवा रहा हूं तो यहां का लोकल एड्रेस वगैरह बोलते हैं ना, लोकल आइडेंटिटी वगैरह मांगता है, तो हमारे पास यहां का डीएल है और बाकी और आईडी वगैरह है, तो इसी के लिए थोड़ा बहुत लेट लग गया था। और बाकी फॉर्म वगैरह फिल करना बोले तो बहुत सारा काम होता है भाई बैंक में, आप लोग को पता ही होगा, तो वो सब करने में ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब ये तो हो गया, बुधवार बोला है फिर से आने के लिए, अब देखो बुधवार फिर से आना होगा। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट चलते हैं भाई अब रूम पे। सो फाइनली गाइस मैं अभी आ चुका हूँ अपने रूम पे, और अभी थोड़ा
अभी रेस्ट किया हूँ भाई, जो कि बहुत टाइम लग गया मार्केट में जा करके। मार्केट में देखे होंगे भाई, शॉपिंग वगैरह किए, बाद में थोड़ा बैंक का काम था वो सब काम करके अभी आए हैं, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है। तो भाई सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि भाई मस्जिद के बारे में, जैसे भी भाई मैं यहाँ से निकला मस्जिद के पास गया नमाज अदा करने के लिए, मैं जैसे ही गया बाइक पार्किंग में लगाया, वहाँ पे लड़का लोग बहुत सारा आ गया, और बाकी लड़का लोग तो ऊपर से भी देख रहा था कि भाई मोटर 85 राइडर आया। मैं बाइक पार्क किया तो मुझे पता था कि लड़के लोग देख लेगा, इसलिए मैं मस्जिद में जैसे ही गया तो हेलमेट जो है भाई मैं अंदर छुपा के रखा था। अगर शायद किसी ने देखा होगा तो पता ही होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ भाई, जो कि मैं हेलमेट और मेरे पास एक छोटा सा बैग था वो मैं पूरा अंदर छुपा के रखा था, किसी को पता ना चले। बट बच्चे लोग को क्या पता यार, बाइक देख करके देख लेता है कि हाँ भाई वो बंदा आया है। आज ख़त्म हो गया तो मैं सुन्नत पढ़ने के बाद मैं मस्जिद में ही 10 मिनट में उधर ही रुका था कि यार ये बच्चे लोग चला जाएगा तो मैं निकलूँगा। मेरे बाइक के पास इतना बच्चे लोग जमा था ना भाई, मुझे पता था और साउंड सुन के मुझे पता हो रहा था कि अपने बाइक के पास ही बच्चे लोग है, तो मैं इसलिए 10 मिनट अंदर ही रुका था। इमाम साहब के साथ मैं बात भी कर रहा था और उसके पास ही रुका था कि बच्चे लोग चला जाएगा, लेकिन अंदर में मस्जिद में वापस आ रहा था बंदे लोग मिलने के लिए, और इमाम साहब भी एक दो बच्चे को डांटा कि जाओ तुम लोग बाहर जाओ, अब जाओ घर जाओ। तो भाई क्या करूँ भाई, जैसे ही मस्जिद से बाहर निकला तो बच्चे लोग पूरा जाम लग गया था। तो भाई उसमें एक दो बंदे जो है ना भाई मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा था कि भाई तुम्हारा रोज़ का नाटक है, रोज़ लेके आते हो हेलमेट ये वगैरह वगैरह। तो भाई मैं बताना चाहूँगा कि भाई वो मस्जिद के पास मेरा 2 या 3 ब्लॉग ही होगा, क्योंकि मैं ब्लॉग कंटिन्यू बनाता हूँ और मेरा छुट्टी जो है ना जुमा को ही मिलता है, तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाता हूँ। बट मैं हेलमेट जानबूझ के नहीं लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ब्लॉग बनाना भी रहता है तो मैं रूम में हेलमेट छोड़ देता हूँ, नमाज अदा करने के बाद वापस आता हूँ, उसके बाद हेलमेट लगा के जाता हूँ कहीं भी जाता हूँ। तो मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी अब हेलमेट लेके नहीं जाऊँगा मस्जिद के पास, और ना ही मैं हेलमेट और ना ही वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा। अगर आप लोग को उतना दिक्कत हो रहा है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बट आप लोग जो बोल रहे हो ना कि यार रोज का नाटक है ये हुआ है, तो भाई मेरे तरफ से तो कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप लोग को लग रहा है कि मेरे तरफ से कुछ गलत है तो आप लोग बोलना, कॉमेंट करके बताना भाई। बस अब ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग से मिलते हैं छोटे से ब्लॉग के बाद अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।